हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पिटस एकेडमी। चलिए, आई होप कि हम लोग सभी अच्छे होंगे, आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी शादी ब्याह का भी थोड़ा सीजन है, तो आई होप कि आप लोग में से कुछ उसमें भी उलझे हुए होंगे, और जो नहीं उलझे हुए हैं वो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और जिनके घर में शादी है, फंक्शंस है, ऐसे कुछ, तो प्लीज़ आप लोग इनके बाद जो है वो आप जितना हो सके अपना समय जो है पूरा पढ़ाई पे ही दीजिएगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो देंगे ही, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, आपको भी पता है लगभग आपके पास 90 से 100 दिन है। तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे कुछ जो लेसन्स हैं वो आपके रेगुलर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर जो है लेसन्स को देखते रहिएगा, और जितने हो चुके हैं लेसन्स उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा आपका मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं आगे OWS में, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इसमें हार्ड टू अंडरस्टैंड हम लोग पहला देखते हैं। इसमें हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि जटिल, समझने में बहुत ही कठिनाई हो आपको, ठीक है। तो वो हो गया आपका जटिल एब्स्ट्रस, ABSTRUSE, ठीक है। स्पेलिंग पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो वर्ड्स हैं वो आपको मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड जो आपको ऑप्ट करने के लिए आता है उनमें ये दिया हुआ रहता है। तो प्लीज़ आप लोग स्पेलिंग पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में थोड़ा परेशानी हो, कठिनाई हो, जटिल हो वो चीज़, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे OWS में, एब्स्ट्रस, ABSTRUSE, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, एन एरिया कंट्रोल्ड बाय द रूलर, मतलब होता है एक ऐसा शासक जो सभी जगह अपना आधिपत्य जमा करना चाहता है, आधिपत्य रखना चाहता है, मतलब अपना अधिकार क्षेत्र वहाँ पे बनाना चाहता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डोमिनियन, मतलब होता है डोमिनियन मतलब होता है कि आधिपत्य स्थापित करना, ठीक है। मतलब कि अपना वहाँ पे राज्य साम्राज्य स्थापित कर लेना, ठीक है, कंट्रोल पूरी तरह से जो है अपना कंट्रोल वहाँ पे कायम करना, उसे कहा जाता है और डोमिनियन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। देखिए, यहाँ पे इन्फेंट मतलब होता है शिशु, नवजात शिशु, जो एकदम छोटा होता है, शिशु नवजात मतलब कि जो मतलब होता है बच्चा वही। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, शिशु की हत्या करना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। इन्फेंटिसाइड क्या कहा जाता है, INFANTICIDE, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब कि शिशु हत्या क्या कहा जाता है, शिशु हत्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस, मतलब कि शेरों के रहने वाली जगह को क्या कहा जाता है, शेरों की जगह को कहा जाता है OWS में डेन, यानी कि शेर जो है ये वहाँ पर रहते हैं, डेन में ही रहते हैं, मांद जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपका जो हो गया अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस यानी कि डेन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, इसे क्या कहा जाता है, एनिमल लिविंग इन वाटर एक्वेटिक मतलब कि जलीय जीव, क्या कहा जाता है, जलीय जीव, वैसे जीव जो जल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है OWS में, एक्वेटिक, AQUATIC, ठीक है। स्पेलिंग पे हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए देखते हैं आगे, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, मतलब कि सभी क्षेत्रों में औरतों को, महिलाओं को बराबरी का हक देना, ठीक है। इससे क्या, वैसा इंसान जो हर जगह में महिलाओं को बराबर का अधिकार देता है, बराबर का हक देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फेमिनिस्ट, ठीक है, मतलब कि नारी समर्थक
जिसका ये सोच है, जिनका ये विचार है कि औरतों को महिलाओं को भी बराबर का हिस्सा देना चाहिए, बराबर का अधिकार देना चाहिए, तो उन्हें कहा जाता है OWS में फेमिनिस्ट, यानी कि नारी समर्थक। चलिए देखते हैं आगे। वन हु ब्रेक्स द लॉ, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, TRANSGRESSOR, ट्रांसग्रेसर। ठीक है, ट्रांसग्रेसर मतलब होता है कि जो कानून को तोड़ता है, कोई भी कानून, किसी भी तरह का कानून बना हुआ है वह उसे तोड़ता है, एक इंसान, उसे कहा जाता है OWS में ट्रांसग्रेसर, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यहाँ पर देखिए लास्ट जो ये आपका है, ये इसका मतलब होता है टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कि एक छोटे समय के लिए टिकना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मतलब कि अस्थाई से कह सकते हैं हम लोग, जो तुरंत खत्म हो जाता है, अस्थाई या फिर क्षणिक। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहना, क्षणिक, थोड़े से क्षण के लिए, तो ये हुआ आपका क्षणिक। अब इसे OWS में क्या कहा जाता है, यहाँ स्पेलिंग देखिएगा, TRANSITORY, ट्रांजिटरी। ठीक है, स्पेलिंग हमेशा ध्यान देना है हम लोग को, क्योंकि जो है स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ट्रांजिएंट भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन में तो यही रहेगा ज़्यादा आपका, तो ये आप लोग दोनों भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा आपके लिए सुटेबल है, आप इसी को याद रखिएगा, TRANSIENT। ठीक है, तो ये है आज का कुछ इम्पोर्टेंट OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।